हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो। में यदि आप ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो और उसमें आपको लाइन टूल वगैरह में ऑर्थो मोड शिफ्ट की के साथ यूज़ करना है और वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो उसका प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, अभी मैं एक लाइन टूल ले रहा हूँ, इधर क्लिक किया मैंने और इधर से मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, तो ये लाइन परफेक्ट वर्क कर रही है, ओरिजेंटल वर्टिकल। यदि मैंने F8 प्रेस कर दिया तो ये बंद भी हो रहा है, लेकिन मुझे ऑर्थो मोड शिफ्ट की के साथ ऑन करना है। तो अभी मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑर्थो मोड ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, वो अभी मैं बताता हूँ। ये स्टेप आप कर लो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो टूल्स ख़त्म कर दो, कोई टूल्स यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है स्क्रीन के ऊपर, तुरंत टाइप कर दो, जैसे हम शॉर्टकट की टाइप करते हैं उसी तरीके से, TEMPOVERRIDES, सिर्फ इतना टाइप करना है। इतना टाइप करके आपको एंटर करना है तो उधर आपको नंबर मिलेगा। यदि आपको 1 नंबर दिख रहा है उधर तो आप 0 कर दो, यदि 0 दिख रहा है तो आप उधर 1 नंबर टाइप कर सकते हो। इधर आपको 1 टाइप कर देना है और उसके बाद जो भी टूल्स लेना है वो ले लो, इधर क्लिक करो और आप शिफ्ट की प्रेस करके रखो। देखो, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा, शिफ्ट की छोड़ दोगे तो ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। तो आप शिफ्ट के साथ ऑर्थो मोड ऑन ऑफ कर पाओगे। यदि आपका ये प्रॉब्लम है तो इतना टाइप करके 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।